तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी, जिसके लिए हमें जो ज़रूरी सामान है वो है कटा हुआ प्याज, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, धनिया, दही, मसाला, आपको नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये मीट मसाला। तो पहले हम क्या करेंगे, अंडा को पानी में डाल लेंगे उबलने के लिए। अंडे को पानी में डालते समय कम से कम 1 चम्मच नमक ज़रूर डाल लें ताकि अंडा फूटे नहीं। अंडा को कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोगों ने उबाला, अब अंडा उबल चुका है, देखिए एक भी अंडा फूटा नहीं है। अब हम इसे निकाल के 10 मिनट रख के उसके बाद इसे छीलेंगे। देखिए अंडा ठंडा आ चुका है, अब हम इसे छील रहे हैं। अंडा को बढ़िया से छील लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए अंडा छिला गया है, अब हम क्या करेंगे, अंडा में थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये फटे नहीं। नहीं तो फटता है तो तेल आपके ऊपर भी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इसे कट लगा लेते हैं ताकि नमक मसाला इसके अंदर भी बढ़िया से जाए। ध्यान रहे जिस साइड योक रहता है उसके दूसरे साइड हमें छेद करना है। अब हम लोग कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेंगे क्योंकि सरसों का ही तेल सबसे बेस्ट होता है। अब सरसों का तेल गर्म होने देंगे, गर्म हो गया, अब हम इसमें अंडा को डालेंगे। और हाँ, अंडा को जब आप डालिए उसको ढकिए ज़रूर, क्योंकि तेल इसे कभी कभी बाहर उड़ भी सकता है अंडा के फटने से, इसलिए इसको ढक के ही पलटी करते रहिए। देखिए ऐसे ही ढक के पलटी आपको करना है। देखिए अब हमारा अंडा हो गया है गोल्डन ब्राउन, से अब हम उतार लेंगे। ये जलना नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसे उतार लिए, अब पहले जीरा डालेंगे हम सरसों के तेल में इसको फ्राई करने, फिर सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता को इसको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे हम। अब हम तेल में खड़ा गरम मसाला को डालेंगे अच्छे से। देखिए खड़ा गरम मसाला जिसमें बड़े इलायची, छोटी इलायची सभी है, सबको हम डाल के अच्छे से उसे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। कटे हुए प्याज को हमें अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक, इसे भी हमें भूनना है, पर ध्यान रहे 80% ही इसे पकाना है। उसके बाद हम इसमें मक्की का मसाला भी मिलाएंगे। अगर आप पहले ही पूरा पका लीजिएगा तो फिर प्याज जलने लग जाएगा। अब हमारा प्याज जो है 80% पक चुका है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे अच्छे से और फिर इसे मिलाएंगे। देखिए इसमें पेस्ट डाल दिया, इसे बढ़िया से अब हम मिलाएंगे ताकि वो भी पक जाए। जब तक ये पक रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे। देखिए पहले तो मीट मसाला थोड़ा सा डाल लेते हैं, फिर धनिया पाउडर, फिर जीरा पाउडर और जिसमें कि गोलकी भी मिला हुआ है, उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार हमें डालना है। ध्यान रहे हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं मिलाया है क्योंकि जीरा पाउडर के साथ ही काली मिर्च पाउडर भी मिला दिया था तो उससे तीखापन आ जाता है। अब मसाले को अच्छे से पका लेंगे बढ़िया से भून के। देखिए मसाला पक गया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी मिला लेंगे लास्ट में 1 मिनट तक। अब हम टमाटर के पेस्ट को भी आधा से 1 मिनट चलाएंगे बढ़िया से,
फिर आप जैसे कि देख सकते हैं ये भी अच्छा से अब पकने लगा है। अब हमारा मसाला जो है वो पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने अंडा फ्राई किया था वो इसमें मिलाएंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे को मिला देंगे। ये देखिए मिला दिया। अब इसे भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे में जो हमने कट लगाया था उसके अंदर भी मसाला का स्वाद बढ़िया से और नमक का स्वाद चला जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रेवी, इसको गाढ़ा रखेंगे ग्रेवी को, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालेंगे क्योंकि अंडा करी का ग्रेवी पतला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसमें ग्रेवी हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब इसे बढ़िया से 10 मिनट तक हम पकने देंगे, उसके बाद इसे उतार लेंगे ताकि जो हमारा अंडे के अंदर भी मसाला और नमक चला जाए। अब देखिए ऊपर से भी हमने एक 5 रुपये का पाउच का गरम मसाला लास्ट में मिलाया है। ये देखिए ये अब उबलने लगा तो ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसे गार्निश कर देंगे जो जिस जिस चीज़ से आपको करना है, धनिया पत्ता और बाकी दूसरा सब चीज़ से भी आप लोग कर सकते हैं गार्निश। उसके बाद हम इसे उतार लेंगे और ये खाने के लिए तैयार है। तो खाइए और कमेंट में ज़रूर बताते जाइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।